नमस्कार, पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा और बात करेंगे बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर। उत्तराखंड में भी जश्न देखने को मिला। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ता बिहार चुनाव, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पार्टी की जीत को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा कि बिहार चुनाव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की नीतियों और नीतीश कुमार की योजनाओं पर बिहार की जनता ने मुहर लगाई है। साथ ही उन्होंने आने वाले चुनाव में उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही जीत का दावा किया। परिवर्तन की जो लहर 2014 से चल रही है वो लगातार आगे बढ़ रही है और देश की जनता अब जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसे संकुचित मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि वो विकास के मुद्दे पर बात करती है कि मोदी जी का जो एजेंडा है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और उसी एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो देश की जनता इसको स्वीकार कर रही है और ये परिणाम जो बिहार में आए हैं वैसे ही परिणाम और उससे और बेहतर परिणाम अन्य प्रदेशों में भी आएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को संवारने के लिए बड़ी घोषणा की है और ठीक ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के अंदाज में उन्होंने अगले 10 साल में गैरसैंण में 25,000 करोड़ के खर्च का ऐलान किया है। मगर इस घोषणा पर सूबे की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। उत्तराखंड राज्य गठन के 20 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कई सौगात दी। सबसे खास अगले 10 साल में गैरसैंण को संवारने पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। इस ऐलान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीएम के इस बयान को चुनावी जुमला करार दिया है। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, 3-3, 4-4 महीने और 6 महीने बाद आप लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं और आप 25,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। कहाँ से खर्च करेंगे जरा बताइए, आय के स्रोत क्या है आपके, कहाँ आप नौकरी लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपए गैरसैंण में खर्च करने की बात कर रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी है। जिस प्रकार से दिल्ली वाले जुमले देते हैं उसी प्रकार से त्रिवेंद्र जी ने भी सीखा हुआ जुमला देना। भले ही कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो मगर गैरसैंण में विकास को रफ्तार देने की इस योजना की घोषणा से बीजेपी गदगद है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए गैरसैंण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को अपने दिन याद आ जाते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता घोषणाएं करते थे, घोषणा मुख्यमंत्री रहे, घोषणाओं की सरकारें रही, उन्हें लगता है कहां से आएंगे। जब आपके पास विजन होता है, आपके पास सपना होता है, पैसे के अरेंजमेंट भी हो जाते हैं। हम बड़ी तेजी के साथ, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उत्तराखंड की तरफ लोगों ने, इंडस्ट्रीज ने रुख कर लिया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद गैरसैंण के लिए ये मुख्यमंत्री की दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा है। हालांकि इस घोषणा में उनके सियासी हित टटोले जा रहे हैं मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गैरसैंण 2022 के विधानसभा चुनाव की धुरी बनेगा और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाएगी। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सचिवालय का शिलान्यास किया है। उन्होंने बताया कि राजधानी के लिए कई बुनियादी जरूरतें होती हैं और इसी के तहत ही सचिवालय का शिलान्यास हुआ है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। आज जो विधानसभा के लिए और राजधानी के लिए बड़ी आवश्यकता होती है कि उसका सचिवालय वहाँ पर, उस सचिवालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्दी इसका जो निर्माण कार्य है वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड में साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट ने धारा 143 में दोषी माना। कोर्ट ने इस मामले में हरक सिंह रावत को 3 महीने की जेल और 1,000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें मौके पर ही जमानत भी दे दी गई जबकि बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। हरक सिंह रावत पर आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अभद्रता का आरोप था।
उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए वीआईपी तीर्थ यात्रियों की चार धाम यात्रा का सिलसिला तेज हो गया है। यमुनोत्री धाम की यात्रा के बाद नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मल्लिमत गंगोत्री धाम पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश पूरे परिवार के साथ गंगोत्री धाम पहुंचे। मंदिर समिति तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने मुख्य न्यायाधीश का भव्य स्वागत किया। मुख्य न्यायाधीश ने माँ गंगा के मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और इस साल राष्ट्रनेताओं से लेकर उद्योगपति, पुलिस के उच्च अधिकारी और हाईकोर्ट के जजों समेत देश के दूसरे राज्यों से भी वीआईपी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को गंगोत्री की प्राकृतिक सुंदरता और मौसम खूब भाया। उन्होंने फिर से गंगोत्री आने की इच्छा जताई है। आज लौट से उत्तराखंड के आज बजा रहे थे मलिमत साहब और वो यहाँ पर आए, माँ गंगा की उन्हें पूजा अर्चना की और बड़े प्रसन्न हुए। इन हिमालय को भी देखा, माँ गंगा का मंदिर भी देखा और अपने पितरों का ध्यान भी किया, क्योंकि गंगा मैया के पास जो आता है पितरों का ध्यान अवश्य करता है, उनके पितरों का उद्धार होता है, तो उन्होंने ये सब किया। हमारे ऑनरेबल न्यायाधीश महोदय गंगोत्री के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिभूत हुए जहाँ एक और वहीं हमारे जो मंदिर की व्यवस्था है उसकी भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की और हमारी व्यवस्था से और यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य से ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने दोबारा आने का मन कहा कि माँ गंगा का आशीर्वाद रहा तो दोबारा आएंगे और हमने सांगोपांग विधि से उनका पूजन संपर्क करवाया। केदारनाथ यात्रा के पड़ाव में घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी, शिकायत पर प्रशासन सख्त हो गया है। तीर्थ यात्रियों की शिकायत के बाद गठित उड़न दस्ता टीम ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल पड़ाव पर निरीक्षण किया और इस दौरान नियम के खिलाफ संचालन कर रहे 130 घोड़ा खच्चर संचालकों का चालान कर 65,000 रुपये का अर्थदंड वसूला है, जबकि बिना मास्क मध्य परिसर में घूम रहे 50 लोगों का चालान कर 10,000 रुपये के अर्थदंड के रूप में वसूल किए हैं। बता दें, गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों ने घोड़ा खच्चर चालकों की मनमानी की शिकायत की थी। तीर्थयात्रियों से तय किराए से ज्यादा वसूलने और रात के वक्त भी घोड़े खच्चरों का संचालन करने की शिकायत थी। प्रशासन की ओर से भेजी गई स्पेशल टीम ने नियमों के खिलाफ काम कर रहे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक उड़नदस्ता टीम जो है कि गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक घोड़े खच्चर संचालकों की चेकिंग करेगी। उनके इसी आदेशानुसार मुख्यालय से DTRF के दो जवान दीपक कुमार और गजपाल साथ में गए थे उड़नदस्ता टीम के। कुल मिला के उड़नदस्ता टीम द्वारा जो है कि 130 चालान किए गए घोड़े खच्चरों के, जिसमें कि 65,000 का अर्थदंड वसूला गया और 50 चालान COVID-19 कोरोना वायरस के, जिसमें 10,000 का अर्थदंड वसूला गया। आगे बढ़ेंगे। बाजारों में दिवाली की रौनक दिखाई देने लगी है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को फूल मालाओं और LED लड़ियों से सजाया है। दिवाली पर ग्राहकों की मांग के मुताबिक बाजार में गिफ्ट आइटम और जरूरत की भरमार है। इस बार मिट्टी के बने हुए इंडियन दियों की मांग बाजार में बढ़ी हुई है, जिसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने वाले कारीगर अपने सामान के साथ शहरी इलाकों में पहुंचे हैं। मगर कोरोना का असर भी बाजार में दिखाई पड़ रहा है। इस साल पिछले सालों के मुकाबले ग्राहकों की संख्या काफी कम है, जिसके चलते कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी है। मगर उम्मीद है कि त्यौहार नजदीक आने पर ग्राहकों की तादाद बढ़ेगी, जिससे बिक्री भी जरूर बढ़ेगी। भले साल पिछले साल जैसा इस साल नहीं है, जो बात पिछले साल थी वो अब की नहीं है। इस कोरोना के चक्कर में हर आदमी परेशान है, सबका रोजगार बेकार हो गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में भीड़भाड़ के साथ साथ चोरी और टप्पेबाजी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने लालकुआं, हल्द्वानी और रामनगर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और दीपावली धनतेरस पर यातायात व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने रामनगर में यात्रियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अपराध नियंत्रण और लंबित पड़ी विवेचना कर जल्द खुलासा करने को कहा है। इस पर नैनीताल में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें पूरे माह में हुए क्राइम और अब तक सालाना क्राइम का जो 3 वर्षीय तुलनात्मक विवरण है उनका एक स्टडी की जाती है और उससे जो आने वाले समय है उसके अंदर क्राइम पे किस तरीके से रोकथाम करनी है और जो त्यौहार या इवेंट्स आने वाले हैं उनके बारे में जो प्लानिंग की जानी है उसके बारे में डिस्कस आज किया गया। चूँकि अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है और बाजारों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़भाड़ शहर में काफ़ी है।
और अब बात करेंगे चमोली के गोपेश्वर में इलाज करा रही एक बुजुर्ग महिला को एयर एम्बुलेंस से देहरादून रेफर किया गया। कर्णप्रयाग ब्लॉक के रंगासू की 82 साल की राजेश्वरी देवी को शनिवार की सुबह जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती किया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके चलते उनके परिवार ने उन्हें एयरलिफ्ट कर देहरादून अस्पताल में शिफ्ट कराया है। तो मरीज को एयरलिफ्ट किया गया है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे उधम सिंह नगर में कुमाऊं एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने 330 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से बरामद स्मैक की कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर मटकोटा फार्म के पास एक बाइक पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। उनके पास से 330 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। तस्करों के खिलाफ थाना पंत नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में तस्करों से बताया है कि बरेली से स्मैक लाकर उधम सिंह नगर में बेचते थे। कुमाऊं यूनिट टीम को सूचना मिली कि रुद्रपुर में नैनीताल हाईवे स्थित ओरिएंटल बैंक मोड़ पर 3 व्यक्ति इनकी स्मैक की डीलिंग हो रही है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा रेड की गई और रात्रि करीब 11:15 बजे तीनों व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से करीब 330 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई। उधम सिंह नगर में बदमाशों ने एक बाइक सवार को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली। युवक की टांग में गोली लगी है, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। वारदात देर रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में अंजाम दिया है। घायल युवक अखिल बिलासपुर के डीबा डीबी के सोढ़ी कॉलोनी का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक अखिल किसी काम से ट्रांजिट कैंप में सिटकुल ढाल के पास गया था, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने उसे धक्का देकर बाइक छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी और बाइक लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें लगभग रात को 7:30-8 बजे के आसपास में अखिल नाम के एक लड़के को उसके थाइज में गोली लगी है, गोली मारी गई है उसको। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वो गोली मारकर उसकी बाइक छीन के ले गए, लेकिन अभी पूरे मामले की हम जाँच कर रहे हैं। इसमें कई पहलुओं को देख रहे हैं, कहीं कोई रंजिश का मामला ना हो या कोई दूसरा मामला ना हो, तो ये सब चीज़ों को भी देख रहे हैं। पुलिस पूरी छानबीन कर रही है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाल रही है। रुद्रप्रयाग के दूर दराज इलाकों में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जिले में कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज़ादी के बाद आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तहसील मुख्यालय उखीमठ से 5 किलोमीटर दूर रसूड़ा गांव में पिछले कई सालों से ग्रामीण मोटर मार्ग की मांग करते आ रहे हैं और हर बार की तरह लोगों को जनप्रतिनिधियों से आश्वासन मिलता है। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।